तो दोस्तों अभी हम आए हैं SSK स्टड फार्म जोधपुर के टेंट में, पुष्कर जी में। और ये घोड़ा हमारे दोस्तों को कुछ समझ आया है, किसका बच्चा है भैया? ये गुलजार का। गुलजार का? प्रभात का पोता बता। गुलजार का बच्चा है और ये प्रभात का पोता है। क्या एज बताई भी आपने इसकी? 8 महीने। 5 मंथ का बच्चा है ये, प्रभात का पोता है। बहुत शानदार बच्चा है। कोई रेट लगाया भी अभी तक इसका? पांच मंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं इसकी फिटनेस काफी अच्छी है। इसकी माँ कौन है भैया? ये बच्चे की माँ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों मैं। ये उस बच्चे की माँ है। इसकी मार्किंग सिर्फ एक पैर में सफेद है और मुंह पर एक ब्लेज है इसके। बच्चे की मार्किंग में थोड़ा सा फर्क है। ये बच्चे की मार्किंग देख सकते हैं आप, इसकी दो टांग सफेद है और मुंह पर पूरा ब्लेज नहीं है। टोटल कितने लाए थे भैया अभी आप? 7 जानवर लाए थे। कितने सेल हुए भाई आउट ऑफ 7? क्यों भैया? कितने सेल हो गए 7 में से? 2 सेल। 7 में से इन्होंने 2 सेल कर दिए हैं। कब से आए हो भैया आप यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए भैया को यहाँ पर, और 7 में से 2 घोड़े इन्होंने सेल कर दिए हैं। और यहाँ पर ये सब घोड़ी और बछेरे ही लेकर आए हैं, इनके पास में कोई स्टालियन नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी घोड़ी है और ये उसका बच्चा, और ये उस बच्चे की माँ की। अब फुल लेंथ हाइट आप देख सकते हैं। अच्छी प्रॉपर कंडीशनिंग में ये खड़ी है घोड़ी। इसकी एज क्या है इसकी माँ की? ये 5-6 साल के करीब इसकी एज है, और वो बच्चा 5 मंथ का है। कितने बच्चे दे दिए अभी तक इसने? आपके सामने एक ही दिया है। हाइट क्या है इसकी? 60 के समथिंग हाइट बता रहे हैं भैया इसकी। और ये इतने जानवर भैया लेके आए थे जिसमें से कि 2 सेल हो चुके हैं। ये राइडिंग स्कूल का टी शर्ट पहना, आपकी स्कूल भी है राइडिंग की? अच्छा, स्टड फार्म भी है, राइडिंग स्कूल भी है। ठीक है, SSK स्टड फार्म और SSK राइडिंग क्लब नाम से इनकी स्कूल और स्टड फार्म दोनों है। और बच्चा जो आपने देखा वो गुलजार का बच्चा है और प्रभात का पोता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक मेयर और उसका कोल्ट है यहाँ पर।
और इधर भी भैया ने ये दोनों घोड़ियां हैं। संदीप हरिंद्र आ गया हो तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं इनके फार्म हाउस का बोर्ड दिखा देता हूँ, जिन किसी को भी इनसे संपर्क करना हो आप संपर्क कर सकते हैं। SSK स्टड फार्म जोधपुर, साथ ही में इनका राइडिंग स्कूल भी है। अब इनसे जान लेते हैं इनके फार्म पर और कितने जानवर खड़े हैं यहाँ पर। आगे दो मिनटों आगे जाके फार्म पे और भी जानवर होंगे ना अभी आपके फार्म पे कितने टोटल? सात आठ जानवर। फार्म पर भी सात आठ जानवर रख रखे हैं। स्टालियन कोई सा नहीं लाया आप यहाँ पर? कोई फेमस स्टालियन है आपके पास फार्म पे? हमारे फार्म पे नहीं है, हमने सेल कर दिया है डेयरी बेयर को। अच्छा, कौन सा स्टालियन सेल करा आपने? पहले नाम था ओमकारा, अब शाहबाद है वो गेरी बेयर के पास में। वो गेरी बेयर के पास में इन्होंने सेल कर दिया है जिसका नाम ओमकारा था, और अब उन्होंने नाम चेंज करके शाहबाज रख दिया है उसका नाम। तो हम आपको इसके पीछे ही गेरी बेयर का भी टेंट लगा हुआ है वो भी दिखा देंगे। शाहबाज नहीं, शाहबाज इधर नहीं, वो पंजाब नहीं आए, वो भैया लेकर नहीं आए हैं, सॉरी हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। ये घोड़ी की लंबाई और कंडीशनिंग बहुत प्रॉपर दिख रही है, भले हाइट ज़्यादा नहीं हो लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।